पहली बार आपसे मुखातिब हुआ हूं और मुखातिब होने का कारण भी बेहद महत्वपूर्ण है। कारण यह है कि एक लगातार कई सालों से 2013 से मेरे बारे में आशाराम के समर्थकों द्वारा एक कैंपेन चलाई जा रही है। वो कैंपेन ये कहती है कि मैंने एक लड़की का, एक मासूम सी बच्ची का, जिसको वो छोटी दामिनी कहते हैं, वो मेरी बेटी की तरह है, वो मेरी बहन की तरह है, उसका गलत चित्रण हमने पेश किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो टेप हमको कहां से मिली, हम किस तरीके से लेके आए और उस टेप को किस तरीके से आधार बनाया गया है जोधपुर कोर्ट ने आशाराम के खिलाफ जजमेंट में। मैं सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा, लेकिन आशाराम कोई मामूली आदमी नहीं, अपने आप को भगवान कहता था। वो ये कहता था कि भगवान से मिलना जरूरी नहीं है, मुझसे आकर मिल लो, ये क्लेम करता था आशाराम एक जमाने में। मैं भी उसके पास गया था तो उसने मुझे ये कहा था अपने रजूकरी के फार्म हाउस पे, मैं सिंहासन पे बैठूंगा, आप जमीन पर बैठिए, माइक मेरा मेरे हाथ में रहेगा, आप तब मुझे इंटरव्यू दीजिए। मैंने बोला अगर आप समानता के साथ खड़े होकर बात करेंगे तब मैं आपसे बात करूंगा, वरना मैं आपसे बात नहीं करूंगा। मेरे लिए आप भगवान नहीं है, मेरे लिए आप सिर्फ एक आरोपित इंडिविजुअल है, लेकिन आपकी उम्र का मैं सम्मान करता हूं। मेरे साथ उनका वाद विवाद हुआ था तो उनके साथ ये मेरी नोकझोंक है, वो काफी पुरानी है। बाद में मैंने उनका पूरा इंटरव्यू किया था, उसके बाद उसको अपने तब के चैनल एबीपी न्यूज पर दिखाया था और चला था। ये मामला तब हुआ था जब अहमदाबाद के आश्रम से दो बच्चों की गुमशुदी की बात भी सामने आई थी और जिसके बाद किस कई तरह की इंक्वायरीज का सामना आशाराम को करना पड़ा था। लेकिन ये मामला कब से शुरू हुआ? ये मामला तब शुरू हुआ 2013 के अंदर जब एक जीरो एफआईआर दिल्ली के अंदर रजिस्टर कराई गई। उस लड़की की एफआईआर कहीं नहीं लिखी जा रही थी। सबको पता है उस लड़की का नाम आज तक कोई डिस्क्लोज नहीं करेगा, ना हम डिस्क्लोज करना चाहते हैं, लेकिन उस मासूम बच्ची जो कि नाबालिग थी, जिसके खिलाफ आशाराम ने कई सालों तक कैंपेन चलाया कि उसने अपने फर्जी बर्थ प्रमाण पत्र को दिया है, और कई सारे हमारे पास भी प्रमाण पत्र आया करते थे थोक भाव में, और उन प्रमाण पत्रों में यह बताने की वो कोशिश करता था कि ये लड़की नाबालिग नहीं बालिग है। अब एक व्यक्ति जो अपने आप को भगवान के बराबर कहता है, जिसके लाखों समर्थक है, जो सिर्फ कोई बापू वापू नहीं है, सिर्फ एक व्यापारी है जो सब कुछ बेचता है अपनी दुकान पे, हर कुछ बिकता है, फिर भी वो ये नहीं कहना चाहता वो व्यापारी है, वो अपने आप को तथाकथित भगवान का सेवक कहता है। अगरबत्ती से लेकर धूप बत्ती से लेकर चावल से लेकर घी तक सब व्यापार हो रहा है भगवान की महिमा के नाम पर, और ऐसे व्यापारियों से मुझे सख्त नफरत है। या तो आप कहिए कि हाँ मैं इसका व्यापार कर रहा हूं, मेरी इतनी बड़ी इतनी करोड़ की कंपनी है, ये नहीं करना है, सेल टैक्स भी नहीं देना है, इनकम टैक्स भी नहीं देना है, सुप्रीम कोर्ट के में आपके खिलाफ हजारों केस चल रहे हैं, देश में कई अदालतों पर आपके खिलाफ केस चल रहे हैं, आपके ऊपर कितने घिनौने इल्जाम है, आपका बेटा बलात्कार के आरोप के अंदर जेल के अंदर बंद है, आपको जोधपुर कोर्ट में आपको सजा हो चुकी है, आप एक सजा याफ्ता एक लड़की, एक मासूम लड़की जो कि उस उम्र में नाबालिग हुआ करती थी, उसके ऊपर यौन शोषण का आरोप आप पर लगा है। मैं तो कहता हूं कि आशाराम के जितने भी समर्थक हैं उनको डूब चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। वो कहते हैं हमारे खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, कौन कर रहा है? CIA कर रही है, KGB भी कर रही है, मोसाद कर रही है। बताइए, सामने आइए और बताइए कि कौन सा विदेशी व्यक्ति आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। लेकिन यहां पर मैं दो चीज साफ करना चाहता हूं, क्योंकि पहली बार इस इशू पर ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूं। ये जो CD है जिसकी बात की जा रही है, मैं नाम नहीं लूंगा उस जगह का, मुझे पता है कि ये CD कहां की है, किसकी है, क्योंकि इस केस को मैं 2013 से फेस कर रहा हूं और जितनी अदालतों में ये मामला गया है मेरे रिप्रेजेंटेटिव भी वहां गए हैं और उन्होंने अपना पक्ष रखा है। लेकिन मैं यहां पर फिर साफ करना चाहता हूं, ये जो CD है, ये CD जोधपुर कोर्ट में आशाराम के खिलाफ मुकदमा साबित करने में आधार बनी है। ये उस चार्जशीट का हिस्सा थी जिसमें बताया गया था कि आशाराम नाम का व्यक्ति जो अपने शुरुआती दिनों में जब गुजरात के अंदर रहा करता था तो शराब बेचा करता था, नकली शराब, इसलिए ताकि वो अपना पेट पाल सके। वो एकाएक स्वयंभू संत बन गया, वो एकाएक भगवान बन गया, वो आत्मा और परमात्मा का मिलन कराने लगा। मतलब इस देश में कितना ढोंग, इस देश में कितना पाखंड, इस देश में कितना व्याभिचार हो सकता है, और वो भी धर्म के नाम पर, कहने में बहुत शर्म आती है। और शर्म की बात इसलिए, अगर आप खुद उस CD को देखेंगे, उस CD को मैं प्रचारित या प्रसारित नहीं करना चाहता, मामला कोर्ट के अंदर है, आप देख लीजिएगा। और इसीलिए हमने बकायदा, जब मैं इंडिया न्यूज में था तो हमारी एक करेस्पॉन्डेंट ने, एक महिला करेस्पॉन्डेंट ने उसको देख कर ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी कि इस तरह के टच को क्या कहा जाएगा। इवन बच्चों को स्कूल के अंदर सिखाया जाता है कि गुड टच और बैड टच क्या होता है, वो भी समझते हैं।
लेकिन आशाराम साहब का हाथ जो है उस बच्ची, उस मासूम बच्ची जिसका उनको याद आ रहा है, और जो केस के अंदर आधार बनी है, जो चार्जशीट का पार्ट है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने उसको मेंशन किया है कि आशाराम प्रकृति से ही ऐसे हैं। और ये बात सिर्फ एक बार नहीं, कई बार कही गई है, कई सारे इंसिडेंट्स के बारे में कही गई है, और ये बताया गया है कि आशाराम के इस पूरे जजमेंट के अंदर लिखा गया है, पॉइंट बाय पॉइंट बताया गया है। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कहां कहां उस जजमेंट के अंदर क्या लिखा गया है, कि किस तरह से जोधपुर कोर्ट ने आशाराम को एक व्यभिचारी सिद्ध किया है, एक यौन शोषण का आरोपी सिद्ध किया है। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र दादा की उम्र की हो गई है, परदादा की उम्र की होने वाली है, वो नाबालिग बच्चियों पर ऐसी नजर रखता है, सोचकर भी शर्म आती है। मेरा तो खून खौल उठता था जब मैं आशाराम के बारे में खबर पढ़ने के लिए अपने पुराने चैनल पर बैठा करता था, और आज भी मेरा खून खौल रहा है ये बात कहते हुए कि एक बच्ची की लाज बचाने के नाम पर मेरे खिलाफ केस चलाने वाले आशाराम को ये नहीं पता कि वो किस आरोप में जेल में अपराधी साबित होकर बंद है। मैं दावा करके ठोक कर कहता हूं कि मेरे खिलाफ उस मामले में किसी भी तरह का अपराध नहीं बनता। उस पूरी स्टोरी के अंदर लड़की की आइडेंटिटी कहीं रिवील नहीं होती। जो बात कही गई है वो सिर्फ आशाराम के बारे में कही गई है, किसी का फेस नहीं दिखाया गया है, कोई उस सीडी में दिखाई नहीं देता है। और आखिरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आपको, आप आशाराम के तमाम लाखों समर्थक हैं, आप वाद विवाद करना चाहते हैं, आइए जुड़ जाइए, समय आप डिसाइड करिए, डेट आप डिसाइड करिए, जगह आप डिसाइड करिए, मैं वहां पर पहुंचूंगा और आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। पर आप ये जो कहते हो ना 500 रुपए वाला कमाने वाला आदमी जो है 500 करोड़ का आसामी कैसे बन गया, आपने बहुत बड़ी कैंपेन चलाई थी ना फेसबुक पे, मैं आपको कहना चाहता हूं मेरी जितनी प्रॉपर्टीज इनकम टैक्स में डिक्लेयर है, और अगर आप में से कोई चुनौती दे तो मैं उसको सार्वजनिक कर सकता हूं, लेकिन उसके बाद आशाराम और उसके ट्रस्ट की भी संपत्तियों को मेरे साथ उसी चौराहे पर सार्वजनिक करना होगा आपको। अगर आपको ये चुनौती मंजूर है तो आप जहां पर बोलेंगे मैं आने के लिए तैयार हूं, आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। कोर्ट जो भी फैसला देगी, कोर्ट कहती है कि अगर मैंने गलती की और मुझे जेल जाना है तो आशाराम जैसे व्यभिचारियों को जेल में भेजने के लिए, जेल में पहुंचाने के लिए मुझे इससे भी बड़ा कोई कदम उठाना पड़ा तो मैं उसको उठाने के लिए एक मिनट भी नहीं हिचकूंगा। आपकी ये इच्छा है कि मुझे जेल नहीं हुई अभी तक, आप मुझे जेल भेजना चाहते हैं, कानूनी तरीके से अगर मुझे जेल होती है मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन उसका एकमात्र मुझे पछतावा नहीं होगा, उसका एकमात्र मुझे रंज नहीं होगा, उसका एकमात्र मुझे कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि मुझे मालूम है मैं सच के साथ खड़ा हूं। और सच ये था जो जोधपुर की कोर्ट अभी तक साबित कर चुकी है कि आशाराम एक सर्टिफाइड यौन उत्पीड़न का आरोपी है, उसने एक नाबालिग लड़की के साथ व्यभिचार किया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कई साल की हियरिंग के बाद जोधपुर कोर्ट ने कहा है, बकायदा चार्जशीट पेश होने के बाद और इस देश के टॉप के 5 लॉयर्स के जोधपुर पहुंच जाने के बाद। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, आपके सवाल है मैं आमंत्रित करता हूं, फेसबुक पर लिखिए, जितना लिखना चाहते हैं लिखिए, जो सवाल का जवाब देना चाहते हैं, आप चाहे तो मैं हफ्ते में एक दिन बना लेता हूं, बैठकर आपके सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन ये दुष्प्रचार आप बंद करिए।